दोस्तों, राजस्थान में आपको लाल मांस, जंगली मांस और देसी मटन चिकन करी तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान में फ्रेश सी फूड अगर आपको खाना है तो आपको जोधपुर मारवाड़ आना ही पड़ेगा, जहां पेंगोली सिस्टर्स बनाती हैं प्रॉन करी, फिश फ्राई और लाल मांस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही डिलीशियस प्रॉन करी, जिसको सरसों के तेल में फ्राई करके काजू क्रीमी करी के साथ राजस्थानी देसी मसालों को सिलबट्टे पर पीस कर और उसके साथ बनाई जाती है पॉम्फ्रेट फिश फ्राई, वो भी बहुत से देसी मसाले और सरसों के तेल को मिलाकर मस्त फ्राई करके। और फिर आपको बंगाली स्टाइल थाली लगाकर प्रॉन करी, भात और फिश फ्राई सर्व किया जाता है। तो चलिए आज आपको बंगाली सिस्टर के हाथ का जादू दिखाते हैं और आज राजस्थानी सी फूड खाकर आपको इसका जायका भी बताते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी, आपका फिर से स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, वैसे हम लोग पहले यहाँ आ चुके हैं, पहले भी हम लोगों ने शूट किया है, और आज हम यहाँ पर ना बहुत यूनिक सी फूड की रेसिपी लेने आए हैं। रेसिपी क्या होगी, बंगाली सिस्टर से जानते हैं। जी मैडम, रेसिपी जैसे ये तो हमारी वो प्रॉन्स मलाई करी बोलते हैं इसको, और हम बंगाली में जैसे बोलते हैं कि चिंगड़ी माछेर मलाई करी जैसे बोलते हैं, ये जैसे प्रॉन्स। जी हाँ, बहुत बढ़िया। ये प्रॉन्स हमने धो के काट के साफ रख दिया है। अच्छा। हाँ, अभी बनेगा चिंगड़ी माछेर मलाई करी। वैसे मैं देखूँ तो राजस्थान में और खासकर हाँ, जोधपुर में सी फूड का कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये देखा जाए कि आप ही ला रहे हो ये कल्चर, है ना। दोस्तों, आज ये प्रॉन्स झींगा है ना बनाएंगे, और हमेशा की तरह सरसों के तेल में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन की। अभी देखो यहाँ पर ना इन्होंने पूरी तैयारी रखी है हमेशा की तरह। और ये जो मसाले हैं ना, ये दो चीजें क्या है एक बार बता दीजिए। काजू और ये हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट बना के रख दिया। काजू और हरी मिर्च। हाँ, और ये है फ्रेश नारियल, मिक्सी में पेस्ट करके फिर उनको हम कपड़े से निचोड़ के ऐसे उनका मिल्क जो आता है ना नारियल का, वो मैंने निकाल लिया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मेरे को ये पॉम्पलेट भी दिख रही है, इसका हाँ, क्या बनता है यहाँ पर? इसका मैं वो फ्राई बनाऊंगी। सबसे पहले तो बर्तन रख दिया, गैस ऑन हो गया। अभी मैडम सबसे पहले ऑयल, हाँ, हाँ, सरसों का तेल, ये देखिए, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें डाल दिया। ये भी थोड़ा सा पहले मैं इनको नमक और हल्दी लगा के थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। तो दोस्तों देखो, नमक और हल्दी डाल दिया, एक तरीके का ये भी एक मैरिनेशन हाँ, प्रोसेस है हमारा, क्योंकि डाल रहे हैं। अच्छा, डाल रहे हैं तुरंत? हाँ, हाँ। ठीक है, डाल दीजिए। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे बस, फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो ये थोड़ा सा चुई हो जाएगा, रबड़ जैसे हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऑरेंज ही हो जाएगा, फिर हम उसको निकाल लेंगे। ये मेरा ना पहला एक्सपीरियंस होगा हाँ, कि कहीं मैं प्रॉन ट्राई करूँगा। इससे पहले मैं काफ़ी जगह गया हूँ, पुणे भी गया हूँ, मुंबई भी गया हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कुछ बैठा नहीं कि मैं सी फूड में प्रॉन ट्राई करूँ। हालाँकि हमने खेकड़ा, जो खेकड़ा बोलते हैं वहाँ पर, अपन केकड़ा बोलते हैं, क्रैब, वो भी हमने किया है, बट ये आज मुझे नहीं लगा था कभी मैं इसको राजस्थान, वो भी जोधपुर में ट्राई करूंगा। तो इसको थोड़ा सा सौते करके हाँ, और फिर अपन इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। ये हो गया फ्राई, है ना? हो गया हाँ। अच्छा, फिर आपने बोला कि वो रबड़ जैसा हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो दोस्तों देखो, इतना ही सौते करना होता है। ये देखो यहाँ पर ना बिल्कुल इसमें पूरे फ्लेवर्स आ गए हैं इसके, और इसी ऑयल से ही हम बनाएंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी ग्रेवी के लिए क्या करेंगे मैडम? पहले ये प्याज का पेस्ट डाल देंगे। अच्छा, प्याज का पेस्ट हाँ, डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसी ऑयल में देखो प्याज का पेस्ट डाल दिया, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो प्रॉपर इसी में ही रहें। जो हमने इसमें डाला था ना प्याज, पिसा हुआ प्याज, और वो अभी ब्राउन हो गया। अभी हम ये वाला ग्रेवी डालते हैं। अच्छा, ये कौन सा ग्रेवी है? ये काजू और हरी मिर्ची का ग्रेवी बना के रखा। काजू और हरी मिर्ची। मतलब इसमें आप दो क्रीमी बेस डालोगे, एक तो ये डाल दिया आपने, और एक नारियल का दूध और डालोगे। इसका ग्रेवी है ना वो क्रीमी क्रीमी सा ही होता है, मलाई कड़ी नाम है ना इसका, तो थोड़ा सा मलाई टाइप का इसका मतलब टेक्सचर रहता है ग्रेवी। ओके, मुंह में पानी आ रहा है ना थोड़ा सा। तो दोस्तों देखो, ये है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ गया है, आप देख सकते हो। और अभी देखो पानी डालेंगे, ये थोड़ा सा पानी डाल दिया। देखो पानी डाल दिया था, अभी इसमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हो, और अब इसमें शायद मसाले डालेंगे, हाँ, है ना? थोड़ा okay, सा नमक डालेंगे। सबसे पहले देखो ये डल गया नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी, और ये जोधपुर की लाल मिर्ची, जो तीखी कम होती है लेकिन कलर बहुत अच्छा देती है, थोड़ा सा पानी,
ये ग्रेवी अभी कच्चा है, थोड़ा सा पकने दूं और ये मैं मैरिनेट कर लेती हूं। ओके, तो दोस्तों जब तक ये हमारी ग्रेवी है ये थोड़ी पक रही है, तब तक हम जो है ना ये हमारी जो पॉम्पलेट है इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसमें क्या क्या मैरिनेट के लिए यूज करेंगे? डालूंगी नमक। सबसे पहले तो देखो दोस्तों नमक डाल दिया, बहुत बढ़िया। तो ये सारे मसाले जो फिश बनाने में यूज होते हैं ये मिल जाते हैं इजीली? कुछ स्पेशल मसाला भी होता है इसके कुछ लिए? कुछ स्पेशल मसाला नहीं होता है। और अभी डालेंगे नींबू का रस। ये देखो दोस्तों ये डल गया नींबू का रस। तो नींबू के रस से क्या क्या होता है? नींबू का रस से मतलब फिश को, मतलब फिश ऐसे टूटेगा नहीं इजीली। हाँ। और दूसरी बात फ्लेवर अच्छा आएगा, थोड़ा सा खट्टा नमकीन। फिश की थोड़ी सी जो स्मेल होती है वो भी नहीं आती, चला जाता है। हाँ। अब थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और ये हल्दी, थोड़ा सा हल्दी। ये हमारा मैरिनेटेड मसाला है। मैरिनेटेड मसाला। कोई भी मैरिनेटेड चीज होता है ना, जैसे कि चिकन, फिश, जिसको हम मैरिनेट करके फ्राई करते हैं उसमें हम ये मसाला डाल देते हैं। अच्छा, मैरिनेटेड। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखो ये सारे मसाले डल गए इसमें, नमक, नींबू, मिर्ची, हल्दी और ये ऊपर से मैरिनेटेड मसाला और ये थोड़ा सा फिश फ्राई मसाला है। ये फिश फ्राई मसाला है। हाँ, अच्छा, ऐसे में सीड्स भी जाते हैं। हाँ। तिल। हाँ, तिल और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें। अच्छा, सरसों का तेल ही डालेंगे। हाँ। तो दोस्तों देखो इस तरह से है ना पूरे मसाले और सरसों के तेल में जो है ना इसको मैरिनेट किया जा रहा है और ये है पॉम्पलेट फिश। हाँ, पॉम्पलेट जिसको हम फ्राई ही खाएंगे। हाँ। पूरा ये जो है पूरा साबुत फ्राई होगा। और ये देखो यहाँ पर जो हमने रखा था ना हमारा ग्रेवी बनाने के लिए वो भी देखो थिक हो गया है बिल्कुल। हाँ। बहुत बढ़िया। तो मैम ये जो फिश है इसमें कांटे होते हैं? नहीं नहीं, ये एकदम एक हड्डी वाला है, एक ही कांटा होता है, वो आप आराम से निकाल सकते। जिसको पसंद नहीं है ना कि मैं फिश आराम से एंजॉय करूं, कांटा वगैरह नहीं चाहिए, उनके लिए फिश बहुत अच्छी है। तो दोस्तों देखो फाइनली जो है ना ये भी हो गई है। हाँ। तो इसको कितनी देर मैरिनेट करके रखा जाता है? जब तक ये हो जाएगा मतलब आधा घंटा मैं रख दूंगी, मतलब आधा घंटा। हाँ। सफिशिएंट रहता। हाँ। है ना। तो देखो अभी ना हमारी जो ग्रेवी थी उसमें देखो ऑयल भी अब ऊपर आ गया है, तो अब हम जो है ना आप क्या करेंगे मैडम? फिश डाल दो। अच्छा, मतलब ये प्रॉन्स डाल देंगे। हाँ। ये देखो दोस्तों अब ये देखो एक एक करके जो है ना प्रॉन इस प्रॉन करी में डाला जा रहा है। ये जो ऑयल था ना फिश का जी, मतलब जो हम उठा के रखा था ये भी डाल देंगे। अच्छा, ये भी डाल देंगे। जो फ्लेवर है ना। हाँ। फिश के ऑयल में ज्यादा मिलता है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पानी बस। तो ये जो प्रॉन करी है इसको किसके साथ ज्यादा पसंद करते हैं लोग? हम बंगाली तो राइस के साथ ही खाते हैं, पर सब कुछ राइस के साथ ही चलता है। राइस के साथ ही खाते हैं। ये ऐसी चीज है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। दोस्तों देखो बढ़िया से सब कुछ डल गया है, अभी और भी डलेगा कुछ? अभी थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। अच्छा, नींबू का रस थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, नहीं तो ये थोड़ा मतलब मीठा मीठा लगने लग जाएगा या तो कुछ। अभी मैं ये जो नारियल का मतलब दूध बना के रखा था ना मैं, जी ये डालूं। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चे इसीलिए खा लेते हैं इसको है ना, क्योंकि बहुत क्रीमी होती है। बहुत क्रीमी होता है, ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है। चटपटा मतलब सब कुछ फ्लेवर रहता है, खट्टा भी, मीठा भी, तीखा भी, नमकीन भी। मैडम के मुंह में पानी आ रहा है। जब तक हमारी करी रेडी हो रही है जी, इसके जब एंड में जो हम गरम मसाला डालेंगे उसको मैं अब सील बट्टे पे पीस लेती हूँ। आपको पता है हम लोग ग्राइंडर मिक्सर यूज नहीं करते, तो सील बट्टे पे मैं इसको पीस लेती हूँ। दोस्तों देखो ये सील बट्टा इनका जो इनका सिग्नेचर मैं बोलूंगा, क्योंकि मसाले जितने भी है ना खड़े मसाले वो पीस कर ही डालते हैं आप। हाँ, ये अपना लौंग, ये दालचीनी गया जी, ये अपन दो ले लेंगे इलायची, एक ले लेंगे लौंग और दो चार ले लेंगे अपन काली मिर्च। बहुत पीस को मैं पहले थोड़ा ऐसे क्रश कर लूंगी जी, तो पिसाई अच्छी होगी। अब इसको देखो थोड़ा पानी डाल के जी, अब इसको पीसे। क्या तो दोस्तों देखो ये जो है गरम मसाला बिल्कुल देखो कितना फाइनली किया है इन्होंने, वो भी सिलबट्टे पर। अभी इसको काउंटर पे पहुंचा। देखो ये जो है ना करी ये बिल्कुल हो चुकी है और इसमें देखो ऊपर ऑयल भी आ गया है। अब इसमें जो हमने ये गरम मसाला पिसवाया था सिलबट्टे पर ये भी डाल देंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा एक लास्ट जी, ये क्या है? ये थोड़ा सा अमूल बटर है। बटर है। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा बटर। तो दोस्तों देखो ये बटर भी इसमें डालते हैं।
थोड़ा सा इसका टेस्ट और भी मतलब और भी क्रीमी एकदम अच्छा बटरी आएगा। मैं घर पे भी ऐसे ही बनाती हूँ। यार अभी एक्सप्रेशन देखा था क्या आपने इसका, बटरी है ना, इनको इतना मजा आ रहा है ना अभी ये कुक करते हुए कि आज मैं भी खाऊंगी। एक फिश का इनका ये एक और सिग्नेचर है कि इस तरह से है ना काट करके साबुत मिर्ची, हरी मिर्ची जरूर डालते मतलब हैं। मतलब देखने में भी अच्छा लगता है जी। और किसी को अगर तीखा और चाहिए तो वो थोड़ा सा वो मिर्ची भी खा लेगा साथ में। तो दोस्तों देखो अब ना रंगत ही बिल्कुल चेंज हो गई है इसकी, अब लग रहा है राजस्थान में कुछ बन रहा है, थोड़ा तड़के वाला लग रहा है और कुछ नहीं है। हो गया ये, हो गया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली रेसिपी रेडी है, तो अब देर किस बात की है, चलिए लगवाते हैं और आज आपको खा करके बताते हैं प्रॉन मलाई करी। दोस्तों देखो इस तरह से है ना बढ़िया जो है पॉम्पलेट फिश को फ्राई करके बिल्कुल बढ़िया से आपको दिया जाता है, मजा आने वाला है आज दो बढ़िया चीज खाएंगे। ये देखो ढक, बहुत खूब। अब हमारी जो है ना थाली लगने तैयार हो गई है, जिसमे देखो ये ले लिया है भात चावल, राइट, भात ही बोलते है ना, बहुत बढ़िया आपकी बंगाली स्टाइल में लग रही। क्या बात है। तो दोस्तों बंगाली स्टाइल में थाली लग रही है और सबसे पहले भात के साथ में देखो ये जो प्रॉन्स करी है, प्रॉन्स करी है, प्रॉन्स मलाई करी, मलाई करी हमें ये देंगे अब। क्या बात है, ये देखो यार देख रहे हो क्या शानदार जो है ना ये करी आपको लगेगी, बहुत ही बढ़िया। और ये जो मिर्चियां इन्होंने ऊपर से डाली थी ना, ये देखो इस तरह से ही सर्व करते हैं, है ना बंगाल में भी। हाँ बंगाल में। क्या बात है दोस्तों, ये देखो। और अभी जो है ना हमारी पॉम्पलेट फिश वो भी रेडी हो गई है, तो इस थाली में वो भी अभी जाएगी और बिल्कुल डायरेक्ट पैन से उठाएंगे और गर्मा गर्म जो है ना इसको इस तरह से देखो सर्व कर दिया है थाली में। तो ये जो है ना बंगाली थाली भी लग रही है, गोवा अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरह का सिमिलर फूड देखने को मिलेगा, क्योंकि सी फूड वहाँ पे भी बहुत ज्यादा चलता है। तो हमने तो दोस्तों गोवा के मजे है ना जोधपुर में ही ले लिए हैं और सब कुछ पॉसिबल हुआ है बंगाली सिस्टर्स की वजह से। तो थैंक यू सो मच मैडम। अगर आपको ऐसा ही खाना है चावल के साथ, अगर आप ट्राई करने चाहते हो हमारा, तो आप हमारे शॉप पे आइए और खाना खा के जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। थाली हमारी लग चुकी है, अब चलते हैं और इसको हम गाड़ी में लगवाएंगे और गाड़ी में आराम से बैठ के खाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष और एक बार फिर मैं हूँ जोधपुर मारवाड़ में। और जोधपुर में ना पहली बार हमने सी फूड बनवाया है, जी हाँ सी फूड। और सी फूड में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत थाली लगाई है इन्होंने जो कि है प्रॉन क्रीमी करी, जो रंगत इसमें आई है ना बहुत सही है, बहुत खूबसूरत। और ये देखो ये इसके साथ में है ना ये पॉम्पलेट फिश है और ये भात है, जो कि क्योंकि ये जो आज हमने बनवाया है ना ये बंगाली सिस्टर्स से हमने बनवाया है, तो बंगाल का जो खाना है बंगाली जो पसंद करते हैं वो आज हमने बनवाया है आपके लिए जोधपुर में। तो अब क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं जो है प्रॉन करी खाऊंगा, तो अब इसको ना वैसे तो चम्मच है मेरे पास बट इसको मैं हाथ से ही खाऊंगा बिल्कुल देसी तरीके से। तो देखो जो प्रॉन्स है ना वो ये है, झींगा बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसको बोला जाता है कि इसको बनाने में ना बहुत तजुर्बा चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको गलत तरीके से बनाया ज्यादा पका दिया तो ये रबड़ की तरह हो जाता है, फिर इसको आप चूही हो जाता है बहुत। तो सबसे पहले तो ये देखो अंदर से फील बताता हूँ आपको, सी फूड कभी भी अगर आप खाओगे ना, कोई भी फिश खाओगे, ये झींगा खाओगे या फिर जो होता है क्रैब खाओगे, केकड़ा खाओगे, तो इनमें ना खुद का ज्यादा फ्लेवर नहीं होता, जैसे केकड़ा थोड़ा सा फिर भी स्वीटनेस लेकर के होता है, बट ये है ना इसमें खुद का अपना कोई खास स्वाद नहीं है। तो जो करी होती है ना वो अच्छी होनी चाहिए और वो बकायदा अच्छी है। तो आप देखो ये है जी, मैंने आपको खा करके बता दिया, एक बार फिर देखो ये उठाते हैं और ऐसे ना इसको क्रीमी क्रीमी ग्रेवी के साथ ऐसे डुबाते हैं और भूख हो गया, गजब बनी है, बहुत बढ़िया बनी है, मेरे को लगा नहीं था इतनी स्वाद बन जाएगी सीरियसली। बट है ना अभी देखो थोड़ा सा अपन इसको लेते हैं भात के साथ, ये थोड़ा सा मैं एक ग्रेवी भी ले लेता हूँ इस तरह से। क्या होता है कभी भी अगर आप आते हो कोई नई डिश जो है वो ट्राई करते हो ना कहीं भी, तो पहले थोड़ा सा ऐसे रहता है दिलो दिमाग में कि कैसी होगी, बहुत लाजवाब बनी है। ये देख लो मेरा जो बाइट है, मेरा जो निवाला है, बहुत शानदार। ये एक ऐसी चीज है जिसको रोटी के साथ भी आप बहुत अच्छे से खा सकते हो और चावल के साथ भी बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो देखो जोधपुर में हम जब पहले आए थे टूर पे, तब हमने बंगाली सिस्टर्स को कवर किया था और इनकी है ना बंगाली और जोधपुरी फ्यूजन के साथ में एक मटन करी बनवाई थी, बहुत ही शानदार थी। आपको स्क्रीन पे कुछ झलकियां दिख रही होंगी और अगर आपने पूरी वीडियो ना देखी हो तो वो भी जा करके देखना, बहुत ही सही रेसिपी थी। और उसी तरह से आज जो इन्होंने ये प्रॉन करी बनाई है और जो चावल के साथ सर्व किए ना, बहुत शानदार, बहुत बहुत लजीज जिसको बोला जाता है ना। वैसे ना आप लोगों को बताऊं, मैं जब ये बन रहा था ना आपने देखा कि
नारियल को पहले पीस लिया और पीसने के बाद में एक मलमल के कपड़े में डाल के इस तरह से दबा करके जो दूध निकलता है ना वो भी इसमें डाला था। थोड़ा सा आपको वो भी महसूस होगा, थोड़ा आपको काजू की ग्रेवी का जो इसमें क्रीमीनेस आया है ना ये दोनों चीजों से मिल करके, और जो मसाले जोधपुर के मसाले तो देखो आप सब लोग वाकिफ हो कि, तो ये ना एक उस तरह की रेसिपी है जो कि अगर आपने कभी खाई भी ना हो ना तो हो सकता है आपके लिए एक अलग टेस्ट हो, लेकिन टेस्ट करके जरूर देखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको ये रेसिपीज पसंद आई। अब देखो इसी के साथ ना आपको ये पॉम्पलेट फिश भी दिखाते हैं। आप देखो ये पूरी जो है ना साबुत पॉम्पलेट, अखा पॉम्पलेट जो है ना इन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाया है। मैरिनेशन प्रोसेस भी हमने आपको दिखाया था और बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इसके लिए कहा जाता है कि ये लोग इसलिए ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इसमें एक ही कांटा होता है। अब ये देखो बिल्कुल मसालेदार, ऊपर ही सारा मैरिनेशन दिख रहा है, सॉफ्ट लग रही है और थोड़ी गर्म भी, अभी जस्ट बन करके आई है। लेट्स हैव अ टेस्ट। देखो कांटे, एक तो बंगाली हर चीज ना सरसों के तेल में बनती है और राजस्थान में भी कल्चर जो है सरसों के तेल का ही है, तो उसका सरसों के तेल का जो एक तीखापन होता है ना वो भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। और इस तरह की कोई चीज आपको मिल जाए जो कि बिल्कुल फ्राई हो और इस तरीके के मसाले इसमें लगे हुए हों और अच्छे से मैरिनेट की हुई हो तो चीज का जायका डबल हो जाता है। देखो मैंने मुंह में लेके एकदम से खाया, पूरे जो है ना एक ही कांटा होता है क्योंकि इसमें बीच में, तो ये बीच में ही देखो रह गया। बहुत टाइम हो गया था सी फूड नहीं खाया था और मैंने सोचा था राजस्थान में सी फूड अच्छा मिलता भी नहीं होगा, बट यहाँ खाकर ना मेरी वो जो चीज़ थी ना कि सी फूड राजस्थान में अच्छा नहीं मिलता वो खत्म हो गया। भाई सी फूड राजस्थान में अच्छा मिलता है, जोधपुर में मिलता है, फ्यूजन फ्लेवर्स पे मिलता है। अब ना मैं एक रोटी मंगवाता हूँ और रोटी के साथ अपन ये प्रॉन करी खाते हैं। रोटी आ गई है, अब एक बार है ना अपन रोटी पे, ये देखो बिल्कुल गर्मा गर्म है, देखो ये एक प्रॉन ले लेते हैं, ये इसके ऊपर डालते हैं रोटी के ऊपर, और देखो मैं कोशिश करता हूँ इसको मैं आपको इस तरह से करके दिखा पाऊँ। ये देखो सी है ना, अब इसको इस तरह से ले करके ये लेते हैं इसकी ग्रेवी। सी कंसिस्टेंसी देखो आप, ग्रेवी कंसिस्टेंसी देखोगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। भाई मुंह में पानी आना चाहिए ऐसी चीज़ देख के, सही बता रहा हूँ, बहुत स्वाद बनी है यार, बहुत स्वाद। Too good, seriously. इतने निवाले हो गए, अब रोटी तो आ ही चुकी है। एक बार है ना इस पॉम्पलेट का एक पीस और निकालते हैं इस तरह से, ठीक है, और इस पे रोटी पे रख करके बढ़िया से एक और निवाला बनाते हैं, ठीक है जी। ये ले लिया, अब इस पे है ना ये थोड़ी सी जो चटनी दी है ना इन्होंने ये डालते हैं इसके ऊपर इस तरह से, और ये लेमन इस तरह से, बढ़िया है ना। इसको लेते हैं पहले फिर प्याज खाते हैं। जो आप स्वाद की कल्पना करते हो ना यहाँ पे ये लोग वो दे रहे हैं। आप जोधपुर आना तो इसको मिस मत करना, बस इतना ही बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा तारीफ हो जाती है तो कई बार लोगों को वो भी फेक लगता है, बट ये तारीफ के काबिल है चीज। इतने निवाले ले लिए, सब कुछ खा लिया है, इस जगह मैं आपको इसकी रेटिंग भी दे देता हूँ, और इसकी रेटिंग जो होनी चाहिए ना वो 10 out of 10 होनी चाहिए, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। क्योंकि ना तो प्रॉन करी में कोई कमी मुझे लगी, ना तो इस पॉम्पलेट मच्छी में जो की फ्राई होकर के हमें दी गई, मैरिनेशन पार्ट बहुत बढ़िया है, मसाले बहुत अच्छे हैं, और जो एक राजस्थानी को सेटिस्फाई कर पाया इतना तीखापन इतना चटपटापन इसमें है। तो जो प्रॉन करी है उसका जो प्राइस है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जो पॉम्पलेट फिश है उसका जो प्राइस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो हम हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालते हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। उसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है, जो भी जगह हम कवर करते हैं अगर आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे पोस्ट भी पढ़ सकते हो। आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और नई जगह किसी और नई जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।